मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान तो होते ही नहीं है कि प्रभु राम के बारे में तथा तो कथित राम के बारे में जितना राम बाजी तो बवाल मच रहा है बेसिकली राम का राजनीतिकरण है ये राम का राजनीतिकरण है तभी हिंदू राज्य की बात आती है तभी राम राज्य की बात आती है महात्मा गांधी ने भी कहा कि हमें राम राज्य लाना है कह रहे हैं अब भगवान के नाम पे राम को खड़े कर दिए इस्लाम के नाम पे पैगंबर साहब को खड़े कर दिए सिख के नाम पे आपने गुरु नानक को खड़े कर दिए सिख के नाम आ, क्रिश्चन के नाम पे आपने ईसा मसीह को खड़े कर दिए बात महात्मा गांधी ने भी कहा अब राम अगर आज लाएंगे तो जो तथाकथित ऋषि शम्भुक हैं या आपको पता है कि एकलव्य का अंगूठा का इसी इसी तरह की घटनाएँ घटेंगी वक्त एक मामला जो है सुर्खियों में चल रहा है जितन राम माझी को लेकर जितन राम माझी कहते हैं कि जो है मैं राम को नहीं मानता हूं राम एक रामायण के पात्र हैं तो इस पर जो है प्रोफेसर विक्रम सर से बात करने की कोशिश करेंगे सर क्या सोचते हैं इनके बयान पर देखिए राम को लेकर के पूरा इतिहास में हमेशा से विवाद रहा है जब से राम का नामक चरित्र का गठन हुआ है रामायण के माध्यम से तो इसको लेकर के बड़ा विवाद रहा मैं राम का तह दिल से इज्जत करते हुए किसी हिंदू संगठनों का को ठेस न पहुंचाते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कई बार वो ऐसा मान लेते हैं कि मैं आ, मैं यार जितन राम माझी जी आ, प्रभु राम का अपमान कर रहे हैं ये राम के अपमान की बात नहीं है एक ग्रामसी की नज़रों में एक शब्द है ऑर्गेनिक इंटलेक्चुअल्स ये उद्गार जो है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के उद्गार के रूप में समझा जाना चाहिए और राम को लेकर के भारत में या कहीं पे भी भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि राम का अस्तित्व तो भारत में था और रामायण या तुलसीदास के रामायण को लेकर के कई बार बताया लेकिन सच्चाई यही है इतिहासकार होने के नाते इस तरह का कोई बड़ा एविडेंस हमारे सामने नहीं मिलता है कि प्रभु राम का जन्म इस भारत के अयोध्या में हुआ था और राम का अस्तित्व तो है मैं जीतन राम माँझी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ और इसको बीजेपी या दूसरी पार्टियों को तुल नहीं देना चाहिए उन्होंने ठीक बात कही कि राम जो है पॉलिटिकल पार्टियों में भी जो है विवाद मच गए इनके हाँ विवाद इसलिए मच गए ना कि इन्होंने भारत के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं राम को प्रभु राम की तरफ में देखते हैं राम को एक भगवान के रूप में देखते हैं जबकि सही मायने में जो कि राम एक भगवान नहीं थे ऐसा जितना रम्मा का कहना ऐसा मेरा भी कहना ऐसा बहुत से लोगों का कहना है इसमें एक प्रोफेसर हरबंश मुखिया हैं जे के प्रोफेसर हैं उन्होंने भी जो ये जो विवाद फैला था तब उस पर भी उन्होंने किताब लिखी थी कि हाँ प्रभु राम आ, आ, जो अयोध्या के राम थे वो अयोध्या में जन्म लिए थे कि नहीं लेकिन अयोध्या के किसी आसपास में जन्म हुआ था ऐसा कहते हैं उसका बहुत हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि ये राम है और उनको प्रभु राम का संज्ञा दे देना अपने आप में एक विवाद है और अपने आप में एक बड़ी साजिश है ये मैं ये कह सकता हूँ कि धर्म की साजिश है कि आप एक व्यक्ति को भगवान का दर्जा दे करके फिर उसके नाम पे राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं जाहिर है कि ये बातें सत्य नहीं है अगर अगर आपने देखा कि जीतन राम ने पहले भी इस तरह की बातें उठाए और पहले कई दफे वे बात कह चुके हैं तो जो हिस्टोरिकल एविडेंस वो नहीं है तो मेरा मानना है कि जीतन राम मांझी जी के बयान बिल्कुल सत्य हैं उस पर किसी को बवाल मचाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि संविधान भारतीय संविधान सबको अपना विचार देने का ओपिनियन देने का राइट देता है अधिकार देता है उस राइट के तहत लोगों ने अपनी बात कही हमने भी अपनी बात उसी संविधान के दायरे में रह के कह रहा हूँ कि जो जिसे प्रभु राम की संज्ञा दी गई है वो दरअसल प्रभु राम नहीं है बल्कि एक एक पात्र हैं और रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है बस मेरा मानना है और इस पर मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस पर इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए सरकार जानबूझकर के करके धार्मिक रंग देती है धार्मिक रंग देने से क्या होता है कि एक षडयंत्र के तहत हिंदू मुसलमान में डिवीजन हो जाता है और ज़्यादातर चूँकि ये एक धार्मिक आस्था का सवाल बन गया है तो जो हिंदू समाज के लोग हैं चाहे वो दलित ही क्यों ना हो ओबीसी क्यों ना हो वो ये ये जो दलित ओबीसी समाज इसको अपने आस्था का प्रश्न बना लेता है अभी एक हाल ही में इंटरव्यू मैंने किसी से बात करते पाया था कि दलित समाज के लोग अब अपर कास्ट के तथा कथित ब्राह्मण पुरोहित को नहीं घर पर बुलाते हैं अपने में ही वो राम चर्चा करते हैं तो मेरा कहना है कि और ये बात हुई कि, कि किसी ने हमसे कहा था कि यदि आप जाके वहाँ पे प्रभु राम की बुराई कीजिएगा तो दलित समाज के लोग आपको मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे मैं ये कह रहा हूँ कि वो पुरोहित समाज को भले बुलाए ना बुलाए लेकिन वो धार्मिक हेजिमेन्नी के शिकार हैं वो कहीं कही ना कहीं इस बात के शिकार हैं तो जो इन बातों को समझ पा रहा है चाहे वो जीतन राम माझी हों चाहे विक्रम हो, चाहे रतनलाल जी हों चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों बाबा साहब ख़ुद ही अम्बेडकर साहब ने इस बात को कहा था कि रिडल्स ऑफ हिंदुज़्म और रिडल्स ऑफ रामा रिडल्स ऑफ रामा और कृष्णा ये बातें बाबा साहब ने खुद ही अपनी बातों में कही हैं कि ये काल्पनिक बातें हैं इसमें सच्चाई नहीं है लेकिन अब ज्यादा सोचिए बाबा साहब के इस कथन को भी लोग दरकिनार करते हैं बाबा साहब ने खुद ही कही रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में अर्थात हिंदुइज्म की पहेलियों पे बहुत लंबा ग्रंथ ही लिख डाला है तो धर्म क्या करता है आपको बोलने नहीं देता और ये षडयंत्र है जिसके तहत अगर जितना माजी माझी जी कह रहे हैं तो उनका मसला है उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है उस ओपिनियन को लेकर के मैं देख रहा हूं कि कई अखबार वाले एन डी तमाम लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाएं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अरे उस देश देश का मुख्यमंत्री रहे हैं। इस देश का बिहार के राज्य का बड़े सूबे का मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है ठीक है तो एक ये अगर मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक हो रहा है तो उनके गरिमा के ऊपर और एक संवैधानिक व्यक्ति पद पर आसीन व्यक्ति रहे उनके पद पर आक्रमण है तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि चूंकि इसका सरकारी कोई एविडेंस तो है ही नहीं आप इसको सरकार ने या धर्म ने राम को प्रभु राम की संज्ञा दे डाली है प्रभु राम की संज्ञा देकर वो दर्शा दर्शाना क्या चाहते हैं दर्शाना ये चाहते हैं कि ताकि हमारा समाज हमारा समाज मतलब पचासी परसेंट का समाज उसमें फंसा रहे और उनकी जो राजनीति वो चलती रहे बेसिकली राम का राजनीतिकरण है ये राम का राजनीतिकरण है तभी हिंदू राज्य की बात आती है तभी राम राज्य की बात आती है महात्मा गांधी ने भी कहा कि हमें राम राज लाना है ये बात महात्मा गांधी ने भी कहा अब राम अगर राज लाएंगे तो जो तथाकथित ऋषि शम्भुख हैं या आपको पता है कि एकलव्य का अंगूठा का इसी इसी तरह की घटनाएं घटेंगी और ये बताया जाता है आज आश्चर्य की बात है कि भागवत जी के बयान पे कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात आई है तो मुस्लिम समाज के लोग बैठक करके कह रहे हैं कि उनके बयान सही हैं बाबा साहब खुद हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं तो आप ऐसे राष्ट्र के प्रति क्यों जा रहे हैं लेकिन क्या है कि समाज में हिस्ट इतिहास में समाज सभी तरह के डिसिप्लिन में प्रभु राम को अस्तित्व दे करके और एक समाज का डिवीज़न करने का प्रयास करते हैं आप हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं और ये बड़े स्तर पर षडयंत्र है ताकि भगवान के नाम पे मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान तो होते ही नहीं है मेरा पर्सनल मानना है कि भगवान जैसी चीज़ तो दुनिया में है ही नहीं लेकिन क्या है कि आप एक आइकन्स खड़े कर दे रहे हैं आप भगवान के नाम पे राम को खड़े कर दिए इस्लाम के नाम पे पैगंबर साहब को खड़े कर दिए सिख के नाम पे आपने गुरु नानक को खड़े कर दिए सिख के नाम क्रिश्चियन के नाम पे आपने ईसा मसीह को खड़े कर दिए आपने सबको खड़े कर दिए एक भगवान दे दिया आपने सबको भगवान दे दिया अब भगवान को लेकर के लोग गुलाम रहे और हम गुलामी को एंजॉय कर रहे हैं यही सब चीज़ देखो सर जो है देखकर जो है ऐसा भी लगता है कि बहुजन समाज में जो है एक भगवान के रूप में कहीं ना कहीं बाबा साहब को भी देख हाँ बिल्कुल ये गलत है बिल्कुल बिल्कुल गलत है बाबा साहब को भगवान मना रहे हैं लोग बाबा साहब को भगवान मना रहे हैं ये जो भगवान बनाने की जो साजिश है ना ये धर्म की साजिश है ये हजिमे की साजिश है ये राजनीति की साजिश है इस साजिश से जानते हैं कि जिस दिन बाबा साहब को भगवान बना लिए ये लोग वो हिंदू हो गए अगर हमने बाबा साहब को भगवान बना लिया तो हिंदू आप देखिए गौतम बुद्ध को उन्होंने भगवान बना दिया गौतम बुद्ध को भगवान बना देने से क्या हुआ कि हर मंच पे आप जाइए तो एक शब्द निकला भगवान गौतम बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध अरे भगवान गौतम बुद्ध आपने बना दिया अब उनके अंदर जो खामियां आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि भगवान में खामियां देखते नहीं भगवान में खामियां देखते नहीं अरे क्यों ही देखेंगे खामियां कल को आप मुझे भी भगवान बना लीजिए कल आप इनको भी भगवान बना लीजिए तो एक जो टर्नल व्यू हो जाता है ना एक पर्टिकुलर पारी में देखने की कला धर्म चाहता है कि आप इसी तरह देखें और अब भगवान बन जाएंगे तो भग, आपको पता है कि बाबा साहब का के साथ कोई इस तरह की बात होगी तो बवाल मचता है राम के साथ बवाल मच रहा है इस्लाम के साथ बवाल मचता है आप देख रहे हैं और मरता कौन है आम लोग मरते हैं कोई भगवान का जो पैगंबर है वो नहीं मरता है आम लोग मरते हैं और आम लोग समाप्त हो समाप जाते हैं ये तो गुलाम बनाने का तरीका है कि आपको एक एक भगवान बांट दिया एक भगवान, एक भगवान तुम ले लो एक भगवान तुम ले लो एक भगवान तुम ले लो और भगवान भगवान हम खेलते हैं कबड्डी जैसे कहते कबड्डी 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 ऐसे भगवान भगवान खेलते हैं लक्ष्मी माता तुम्हारा सरस्वती माता हमारी शंकर भगवान तुम्हारा पार्वती हमारी हाँ पैगम्बर साहब तुम्हारे कृष्ण मसीह हमारे गौतम बुद्ध हमारे जैन हमारे भगवान है ना गुरु नानक हमारे और जातियों में सभी, सभी सभी, सभी आप देखिए अगर पंजाब और हरियाणा में चले जाएं तो वहाँ भी भगवान भगवान का खेल चल रहा है अगर वहाँ पे किसी ने थोड़ा सा भी सिख धर्म का के बारे में कुछ कह दिया तो कत्लेआम होता है जैसे कि प्रभु राम के बारे में तथा कथित राम के बारे में जीतन रामबाजी के तो बवाल मच रहा है आप इस्लाम के बारे में कह दीजिए तो आपके लिए फतवा जारी होगा कि गला काट देंगे तो तस्लीमा नसरीन और सलमान रसदीस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तो जा सोचिए कि ये कितना बड़ा षडयंत्र है और इस षडयंत्र के आड़ में हिंदू धर्म के अपर कास्ट सिखिज़्म के अपर कास्ट इस्लाम के अपर कास्ट और जो जो सिखिज्म में जो जट सिख है वो एन्जॉय करता है सभी धर्मों के तथा कथित अपर काश इन्जॉय करते हैं उनके लीडर ही वही राजा बनते हैं और उनके अंतर्गत जो हमको पसमानदा मुसलमान कभी राजा नहीं बना दलित मुसलमान दलित हिंदू समाज का कभी राजा नहीं बना सिख धर्म का जो दलित सिख है कभी राजा नहीं बना क्रिश्चियन का जो दलित क्रिश्चियन दलित है वो कभी राजा सभी नहीं बना धर्मों में जो है दलितों का ब्रेन वास करके ब्रेन करके हां सभी धर्मों के जो दलित है उसको ब्रेन ये असल में भगवान मतलब ब्रेन वास भगवान का मतलब ब्रेन वास करना और उसमें आपको फंसा देना हाँ, माने आप फेल भी हो गए तो किस वजह से आपके कर्मों का फल है आप एक्सीडेंट हो गया तो आप खामिया नहीं देंगे क्या कर्मों का फल है आप जल्दी मर गए किसी कारण बस तो कर्मों का फल है मैं अच्छा कर रहा हूं और मैं ये भगवान नाम की चीज़ को नहीं मानता अगर कुछ संजोग से हो गया तो क्यों हुआ क्योंकि आप भगवान को नहीं मानते आपका एक्सीडेंट हुआ क्योंकि आप भगवान मानते ही नहीं थे हमारे घर के लोग हमारे समाज के लोग ऐसी बातें कहते हैं कभी तो एक्सीडेंट हो जाता है ना सर हाँ। जो गाड़ी के आगे जो है भगवान का स्टिकर लगा के रखे रहते हाँ। हैं उनका भी तो हो जाता है पर उसको नहीं मानते ना मैं क्या कहा हेजी में नहीं है ना भाई आप इसको समझो कि गुलामी को हम इंजॉय करते हैं हम गुलाम हैं और उसको कब बड़ी मस्ती से इंजॉय करते हैं ये विभिन्न धर्मों का त्यौहार का इंजॉय करने का तरीका हमारे अंदर घुस गया है और उसको हम इंजॉय करते भाई एक तरफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट एक तरफ धर्म नहीं चलेगा या फिर अब अम्बेडकर वादी हैं या फिर अब धर्मवादी हैं या फिर अब तर्क एक अगर तर्क तर्क कर रहे हैं आप रेशनलिटी में विश्वास करते हैं तो परंपरा को नहीं मानेंगे कुछ लोग तो जो है बाबा साहब को मानने के लिए चौदह अप्रैल को ही दिखते हैं उसके बाद दिखते ही नहीं इसलिए नहीं दिखते है ना क्योंकि ये डॉक्टर बी आर को भगवान बनाया जा रहा है ताकि आप एक पर्टिकुलर दिन में भगवान बना दें नाच गाना कर लें कूद फान मचा लें उसके बाद शांत हो जाए फिर रोज लात खाएं आप तो रोज लात खाने की परंपरा है ये रोज लात खाने की परंपरा रोज रोज गुलामी की परंपरा है तो उस गुलामी के परंपरा से निकलने का यही तरीका है कि आपको इन सभी चीज़ों की समाप्ति होनी चाहिए सभी धर्मों की समाप्ति होगी तभी जाकर के जो थॉमस वेन का कॉन्सेप्ट है या रशियन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था या भारत के गौतम बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एनिलेशन ऑफ कास्ट है या पेरियार साहब का नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का जो इक्वालिटी की कास्ट है या पेरियार या हमारे ज्योतिराव फूले का जो बात थी कि जो सत्य सुधक समाज की जो स्थापना करने का कॉन्सेप्ट था या काल मार्क्स का बर समाज का स्थापना था या जो या फ्रांस रेवोल्यूशन का जो लिबर्टी क्वालिटी फर्टनिटी की बात थी ये तभी संभव है जब आप परंपरा को छोड़ करके नई बात करेंगे और नए भारत का कर निर्माण करेंगे भारतीय होने के नाते हम ये चाहते हैं कि भारत में इस तरह के जो डोगमा हैं इस तरह के जो रिलीजियस बिलीफ हैं या कल्चरल बिलीफ है उसकी समाप्ति हो तभी जा कर के एक बच्चा ऑर्गेनिक बच्चा बनने का प्रयास करेगा तो हमारे साथ में बात कर रहे थे प्रोफेसर सर और सर जो है जीतन राम मांझी के दिए गए बयानों का समर्थन करते हैं